दोस्तों नमस्कार, जेपी भाई न्यूज़ रामगढ़ यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों जिस जगह हम खड़े हैं, ये बड़ौदा मेयो का क्षेत्र आता है, अलवर जिले के अंदर आता है। ठीक मेरे पीछे जो आपको हाईवे दिख रहा है, ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे संख्या 148N है, जिसकी दूरी की बात करें तो 1350 किलोमीटर की दूरी का हाईवे बनाया जा रहा है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी द्वारा अलवर जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात दी गई है और शीघ्र ही ऐसा सुनने में आ रहा है कि गुरुग्राम से लेकर दौसा तक इसको शीघ्र ही चालू करने की योजना सरकार की है। दोस्तों इसकी अगर चौड़ाई की बात करें तो ये 8 लेन चौड़ा रोड है और दूसरी सौभाग्य की बात अलवर ज़िले के लिए यह है कि एक अलवर के सांसद ने भी रोड को शीघ्र ही सैंक्शन करवाया है, जो कि पनियाला से लेकर बड़ौदा मेयो तक 86 किलोमीटर का रोड है, जिसमें 56 गाँव की ज़मीन को अधिग्रहण किया गया है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि इस रोड पर जो आवारा पशु हैं उन पर प्रतिबंधित रहेगा और जो लोकल साधन हैं उन पर भी प्रतिबंध रहेगा। तो दोस्तों इस रोड की ये प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या है, कितना ये कंप्लीट हो गया, क्या इसकी क्वालिटी है, ऊपर से कैसा ये देखने में लगता है, तो आइए हमारे साथ आपको दिखाते हैं इस रोड का नज़ारा और इस रोड के ऊपर से कैसे दिखते हैं हमारे आसपास के गांव। और आपसे एक निवेदन रहेगा कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और जो भी भाई चैनल पर नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। आइए दिखाते हैं आपको रोड की। का ये रोड है और इसके बीच में जो बहुत बढ़िया ग्रीन पट्टी लगाई जाएगी, जिसमें हरे भरे पेड़ों के द्वारा इसको सजाया जाएगा और इस रोड पर सारी दुनिया की जो सुविधाएं परिवहन विभाग की। दोस्तों ठीक इसी जगह जो पनियाला से लेकर बड़ौदा मेयो के लिए रोड को निकाला जा रहा है, ठीक इसी जगह आकर उस रोड को मिलाया जाएगा। 86 किलोमीटर की लंबाई इस रोड की है, 56 गाँव की भूमि को अधिग्रहण किया गया है और इस रोड पर जो लोकल साधन है उन पर प्रतिबंधित रहेगा, ऐसा हमें जानकारी में मिला है। आवारा पशुओं का प्रतिबंध रहेगा, आवारा पशु इस पर किसी भी तरह का नहीं रहेगा। वाईफाई और चिकित्सा, पेट्रोल पंप, सीएनजी, तमाम तरह की जो हाईवे पर सुविधाएं होती है उन सभी सुविधाओं से सुसज्जित ये रोड होगा और ये अलवर ज़िले के लिए तो बहुत बड़ी सौगात, ऐतिहासिक सौगातें हमको मिली है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी का, जो उन्होंने अलवर के लिए 2-2 नेशनल हाईवे का निर्माण करवाया है। और दोस्तों यदि ज़मीन के अधिग्रहण की बात करें तो 90 मीटर ज़मीन का अधिग्रहण इस पनियाला से बड़ौदा मेयो रोड के लिए किया गया है। कलेक्टर साहब अलवर ने आपत्तियां मांग ली गई हैं और जो जिन किसानों की ज़मीनें जा रही हैं उनको सुनने में आ रहा है कि अच्छा खासा मुआवजा भी मिलने वाला है। तो दोस्तों धन्यवाद आपको वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। दोस्तों ठीक मेरे सामने जो सड़क जा रही है ये भरतपुर के लिए जा रही है, आगे जो कस्बा है वो बड़ौदा मेयो है और इसके सामने जो सड़क जाएगी ये यहाँ से नीचे से निकलकर ये सीधी अलवर के लिए जा रही है। दोस्तों इधर ये जो रोड जा रहा है सीधा अलवर के लिए जा रहा है और इसी लोकेशन पर पनियाला से लेकर बड़ौदा मेयो का जो उतार चढ़ाव रहेगा यहीं पर ही वो चौक बनाया जाएगा। और ये ठीक मेरे सामने जो आपको दिख रहा है यहीं से ही दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पर चढ़ा जाएगा।
तो दोस्तों धन्यवाद आपको वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।